भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने एक भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ा जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगा है 4 करोड़ रुपए का, साथ ही साथ 5 साल की सजा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो जेल की सजा 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। आरोपी किशोर मीणा को सीबीआई ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि भारतीय खाद्य निगम में तैनात किशोर मीणा ने अपनी आय से 900 गुना ज्यादा संपत्ति कमाई थी। सर, इस प्रकरण के अंदर मैं सर संदीप कपूर सिक्योरिटी एजेंसीज के जो फील्ड मैनेजर थे शिवदयाल द्विवेदी, उनके द्वारा सीबीआई एसीबी भोपाल में वर्ष 2021 में एक रिटर्न कंप्लेन प्रस्तुत की गई थी कि एफसीआई के डिविजनल कार्यालय भोपाल के अधिकारियों के द्वारा उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो सीबीआई ने उस कंप्लेन का वेरिफिकेशन करवा के और इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके अंदर 4 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आरोपी किशोर मीणा भी था। और जब किशोर मीणा के घर की तलाशी ली गई तो किशोर मीणा के घर की तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपए नगद, लगभग 350 ग्राम मतलब सोने के जेवरात, लगभग 650 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए थे। तो उस प्रकरण का अनुसंधान कर रहे अनुसंधान अधिकारी ने सीबीआईसीबी भोपाल में एक रिटर्न कंप्लेन की कि किशोर मीणा के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। तो सीबीआई ने उस प्रकरण का अनुसंधान करने के बाद वर्ष 2022 में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश सीबीआई भोपाल के समक्ष एक मतलब क्या चार्जशीट प्रस्तुत की थी और उक्त चार्जशीट का विचारण श्री अरविंद कुमार शर्मा जी विशेष न्यायाधीश के द्वारा किया गया और उन्होंने आज इस प्रकरण में आरोपी किशोर मीणा को 5 वर्ष के कठोर कारावास, 4,05,74,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया और जुर्माना अदा नहीं करने की दिशा में 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 27 मई 2021 को एक सिक्योरिटी एजेंसी के फील्ड मैनेजर ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि भारतीय खाद्य निगम संभागीय कार्यालय भोपाल के अधिकारियों ने उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की है। इसके बाद सीबीआई ने किशोर मीणा को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में एफसीआई के 3 अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।